एक स्वाधीनता संग्राम अंडमान की धरती पर भी लड़ा गया जिसके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते। ये संग्राम अबरडीन की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। इस संग्राम के नायक थे आदिम जनजाति ग्रेट अंडमानी समुदाय के वीर जवान, और ये युद्ध लड़ा गया देश के पहले स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति के 2 वर्षों बाद मई 1859 के दिन। दरअसल 1857 की क्रांति के वीरों को गिरफ्तार कर 200 बंदियों का पहला जत्था 10 मार्च 1858 को पोर्ट ब्लेयर पहुंचा। इन बंदियों को खुली जेल में रखा जाता था। इन्हें कठोर यातनाएं दी जाती थीं। उस समय जनजातियां ही यहां की मूल निवासी थीं। एक कैदी दूधनाथ तिवारी आखिरकार अंग्रेजों के चंगुल से निकलने में कामयाब हो गए। तिवारी ने भागकर ग्रेट अंडमानी समुदाय के पास शरण ली। समुदाय ने उसे प्रेम पूर्वक अपने संग रहने दिया, यहाँ तक कि एक लड़की लीपा का विवाह तिवारी से करवा दिया। दूधनाथ तिवारी ग्रेट अंडमानियों के संरक्षण में 1 वर्ष 24 दिन रहे। अचानक एक दिन उन्होंने देखा कि ग्रेट अंडमानी अपने तीर धनुष और अन्य हथियार तैयार कर रहे हैं। ग्रेट अंडमानी अंग्रेजों पर आक्रमण की योजना बना रहे थे। दूधनाथ तिवारी का विवेक डगमगा गया और वे रात को कबीले से निकल भागे और कैदी बस्ती के अंग्रेज अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी। 17 मई 1859 को ग्रेट अंडमानियों ने तीर धनुष लेकर अबरडीन की अंग्रेज कॉलोनी पर आक्रमण कर दिया, लेकिन पहले ही सूचना मिल जाने से अंग्रेज सतर्क थे। ग्रेट अंडमानियों ने कई अंग्रेजों को मार गिराया, लेकिन उनके तीर धनुष बंदूकों से लंबे समय तक मुकाबला नहीं कर पाए और बड़ी संख्या में ग्रेट अंडमानी शहीद हुए।